लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हाँ पंडित। क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ तुम्हारा कौन सा एंगल तगड़ा है जो इस फैक्ट्री के मालिक की बिटिया तुम पर मर मिटने को तैयार है। क्या मतलब? मतलब ये कि ये खत पढ़ लो। यहाँ खड़े खड़े पीपी कर रहे हो, वहाँ आकर वो नहीं कर सकते थे जो मैं सोच रही थी? मुझे क्या मालूम तुम क्या सोच रही थी। अच्छा बता दो, मैं कर देता हूँ। अरे बताओ, अब इससे भी ज्यादा करूंगा। क्या हुआ बोलो। मैं सोच रही थी तुम मुझे उस पहाड़ पर सैर कराने ले गए हो। प्लीज चंदर, उस पहाड़ की ऊंची चोटी पर मुझे बर्फ की सैर कराने ले चलो ना। अब वहाँ नहीं। बस अभी तो कह रहे थे तुम जो बोलोगे उससे ज्यादा कर सकता हूँ। हाँ लेकिन वो जो बादल देख रही हो ना, उससे साफ पता चलता है कि तूफान आने ही वाला है। तुम आते हो कि नहीं? नहीं तो मैं अकेली जा रही हूँ। चंदू मुझे डर लग रहा है। तुम्हें कहा था ना तूफान आने वाला है। मैं समझी तुम बहाना बना रही हो, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? तुम ही तो जिद कर रही थी। अच्छा बाबा माफ कर दो, गलती हो गई। लगता है गेस्ट हाउस है। मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है। मुझे भी बहुत लग रही है। मेरी तो कुल्फी जम जाएगी। नहीं नहीं नहीं, कुल्फी जमने नहीं दूंगा क्योंकि कुल्फी मुझे पसंद है। तुम यही ठहरा। मिर्जा, चंदर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाओ कि उसने आशा को किडनैप कर लिया। झूठी रिपोर्ट? झूठी सच्ची, आई डोंट नो एनीथिंग। आई एम गोना गेट दैट बास्टर्ड। रिपोर्ट लिखवा के उसे बंद करवा दो। कोई भी खर्चा होगा मैं दे दूंगा। क्या सोच रही हो? यही कि तुम उस कंपनी के मालिक की बेटी हो जहां मैं नौकर हूं। क्या हम दोनों इस रास्ते पर आगे चल पाएंगे? क्यों नहीं, तुम मेरे डैडी को नहीं जानते। मेरी मम्मी के मरने के बाद उन्होंने मुझे मां और बाप दोनों का प्यार दिया। वो मेरी किसी बात को नहीं टालते। उनके फौरन से आते ही मैं उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। क्या बता दोगी? मैंने 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 तुझे 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 किया 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 प्यार किया। ए, जी जी, कहाँ है चंद्र कुमार? उधर है। वाह, मिस्टर चंद्र कुमार। यस।
आशा देवी को किडनैप करने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। आशा किडनैप हो गई? कब? गुरु घंटालों को गुरु घंटाली मत सिखाओ। साफ साफ बता कहाँ छुपा रखा आशा देवी को। लेकिन इंस्पेक्टर साहब मैं शट अप, क्या देखो तुम्हारा थोपड़ा। एक तो मालिक की बेटी को किडनैप कर लिया, ऊपर बोलता है देखने के लिए। अबे जेल में ऐसी चक्की पिसवाऊंगा कि तुम्हारी शक्ल सड़े हुए नाशपाती की तरह निकल आएगी, देखने को बोलता है। हवलदार, यस सर, हथकड़ी पहना दे साले को। भगवान का शुक्र कीजिए कि उसने हमें कोई बहन नहीं दी, वरना साला कहने पर चीर कर फेंक देता। हथकड़ी पहना लो। क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है? इस आदमी ने आशा देवी को किडनैप किया है, और जब मैं इसे गिरफ्तार करने आया तो मुझसे अकड़ रहा। मुझसे? आशा देवी मतलब आशा? जी हाँ, वही आशा। इस फैक्ट्री के मालिक की बेटी आशा? जी हाँ, वही। ओ, शक्ल से तो ऐसा बदमाश नहीं लगता। आपने तलाशी ली इसकी? जरूर किसी पॉकेट में छुपा के रखा होगा आशा को। जी जी हाँ, मैं हूँ आशा, आशा देवी, इस फैक्ट्री के मालिक की बेटी आशा देवी। किस गधे ने आपसे बोला कि चंद्र मुझे किडनैप करके ले गया? I'm so sorry to him and get out. आप आशा? I'm sorry Mr. Chandar, very sorry. Thank you. Hawaldar. Yes sir. Let's get out from here. Follow me. मैं जानती हूँ किसकी बेहूदगी है। हमने डिसाइड किया। How dare you lodge a complaint with the police कि चंदू ने मुझे किडनैप कर लिया? आशा, but look here, I don't want to look anywhere, Mr. MC Bhalla. और ये बेहूदा बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आशा, मुझे भी पसंद नहीं है। मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ। आशा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है। डोंट मेक मी लाफ। मोहब्बत जैसा खूबसूरत इमोशन तुम्हारे दिल के लिए बना ही नहीं है। और फिर तुमने कैसे सोच लिया कि मेरी शादी तुम्हारे साथ होगी? फॉरगेट इट मैन, मेरी शादी किसी केचुए के साथ नहीं होगी, समझे? और आइंदा कभी मुझसे ऐसी बातें मत करना। आशा, I'm sorry, Mr. Masanoni. Mr. Bhalla, चूंकि हम बिजनेस पार्टनर हैं, इसलिए मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में भी कुछ सजेशन दे सकता हूं। Of course, Mr. Masanoni. तुम अपनी महबूबा के आशिक को थोड़ा प्रमोशन दो। क्या बात कर रहे हैं आप, प्रमोशन? और फिर कुछ दिनों के बाद आर्म्स एंड एम्युनिशन ट्रक की डिलीवरी देने के लिए आप उसे ही भेजिए। जब वो बंदूकों का ट्रक लेकर आएगा तो मेरे निंजा साथी उसे खत्म कर देंगे। इस तरह से वो आर्म्स एंड एम्युनिशन हम तक बहुत आसानी से पहुंच जाएगा, और उस पर ये इल्जाम लगा दिया जाएगा कि उस फैक्ट्री से वो आर्म्स एंड एम्युनिशन चुरा कर दुश्मनों को बेचता था। और जब ये बात आपकी महबूबा को पता चलेगी तो वो उसे चोर समझकर उससे नफरत करने लगेगी और वो तुम्हारी हो जाएगी। इस तरह से सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। वेरी गुड मिस्टर मासलोनी, वेरी गुड। वो मेरे सैया, वो मेरे सैया भाई, वो दुबार का। अरे मिठाई का ऑर्डर दिया जाए, ढोल बजाया जाए, ताशे पीते जाए, क्योंकि अपना यार चंदू हम सबका परसों से अफसर बन जाएगा। और ये रहा तरक्की का परवाना। अरे भैया, मालिक की लड़की से इश्क लड़ाने का यही तो फायदा है। चुप्पे चप्पड़ गंजू साले, एक हाथ दूंगा। ऑफिसर हो जाने का यह मतलब नहीं कि मेरे परमिशन के बगैर तुम इस ऑफिस में आ जाओ। मुझे आशा की सिफारिश पर मिलने वाला प्रमोशन नहीं चाहिए। पहले ये कि आशा नहीं, आशा जी कहो, मिस आशा मल्होत्रा। और दूसरा ये कि तुमसे किसने कह दिया कि तुम्हें आशा की सिफारिश पर प्रमोशन दे दी गई? यू डिजर्व इट माई डियर चैप, यू डिजर्व इट। डोंट माइंड डियर मी सर, अगर यह सिफारिश का प्रमोशन नहीं है तो इस प्रमोशन पर दिलेर सिंह का हक मुझसे ज्यादा है। फर्दरमोर, तुम्हें मैनेजमेंट के फैसले में दखल देने का कोई हक नहीं। दिलेर सिंह की अकल कम है। अरे आओ आओ आओ, आओ आशा। आओ क्या खाक? आप जा सकते हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मुझे कोई खास बात नहीं करनी। यहाँ मुझे किसी ने यह भी याद नहीं दिलाया कि अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है। ओह नो, कम से कम तुम ही याद दिला देते। एनीहाउ, अरेंज फॉर अ ह्यूज पार्टी और उसमें सबको बुलाना। एंड व्हेन आई से सबको,
आई मीन सबको। ऑफ कोर्स पार्टी तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऐसी होगी कि तुम हैरान हो जाओगी कि इस जंगल ब्यावान में ऐसी पार्टी हुई कैसे। अटेंशन द मैडम, जेंटलमैन, एमसी भल्ला की गलती की वजह से आपका इनविटेशन आप तक नहीं पहुंचा, इसकी मैं माफी चाहती हूं और इसीलिए मैं खुद आप लोगों को बुलाने के लिए आई हूं। आप सब जरूर आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। जरूर आइएगा, मुर्ग मुसल्लम, चटनी, चिकन करी, मटन करी, दाल, दही बड़ा, सब फ्री में, लपक लो, जल्दी करो, खड़े क्यों, मैडम चली गई। हेलो अंकल, वेलकम टू द पार्टी। वही कमांडो है जिसके बारे में तुमने मुझे लिखा था। हाँ तो ऐसा है कि वो आशा। पापा, मैं तुम्हें इसी वक्त डिसमिस करता हूं, चल जाओ यहां से। थैंक यू सर, आप मुझे इस कंपनी से तो डिसमिस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं जिस दिन आपकी बेटी आशा मेरे साथ चलने को तैयार हो जाएगी, मैं उसे यहां से ले जाऊंगा। आप मेरे इस फैसले को डिसमिस नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मैं भी आशा से उतना ही प्यार करता हूं जितना आशा मुझसे करती है। यस पापा। एंड आउट यू गो। लेकिन सर, चंद्र को डिसमिस करने से पहले आपको इसका कसूर बताना होगा, नहीं तो चंद्र के जाने से पहले सारी कमांडो फोर्स हड़ताल कर देगी। क्योंकि चंद्र हमारा अफसर ही नहीं बल्कि दोस्त भी। थैंक यू आशा फॉर गिविंग मी द ऑनर ऑफ डांसिंग विद यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। कम ऑन बॉयज। गुड नाइट सर। तेरे को तो मैं ठीक करूंगा, वो भी तरीके से। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, तुम अभी तक गए क्यों नहीं? सर, ड्राइवर के पेट में दर्द शुरू हो गया है, दूसरे ड्राइवर को बुलाया है। तुम ड्राइव करना जानते हो ना? जी हाँ सर। वेरी गुड, ये माल गोडाउन नंबर 5 तक पहुंचा देना। लिसन, ये काम बड़ी जिम्मेदारी का है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी गन्स और एम्युनिशन भरे हैं, याद रहे दुश्मनों के हाथ नहीं लगने चाहिए। यस सर। ऑल द बेस्ट। गोडाउन का आदमी कहाँ है? हमें नहीं मालूम, अंदर जाके पूछो। अपना आदमी भेज दीजिए, तब यहां से ले जाए। Yeah.
कोई और आदमी तो नहीं है? नहीं साहब। बोल लो। आज हम लोग यहां इसलिए जमा हुए हैं ताकि इस बात का फैसला किया जा सके कि मिशन XP2 कब और कैसे लॉन्च किया जा सकता है। आप लोगों ने यहां हिंदू, मुसलमान, सिख, हरिजन ठाकुर, हरिजन ब्राह्मणों के बीच में आपस में दंगे फसाद जरूर करवाए हैं, लेकिन अभी तक सड़कों पर खून के कीचड़ नहीं हुए। इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी बहुत मजबूत है दोस्तों। जब तक हम इसकी कमर तोड़ने में कामयाब नहीं होंगे, तब तक मिशन XP2 लॉन्च नहीं किया जा सकता। इसलिए अलगावाद की आग लगा दो, धार्मिक दंगों की आग लगा दो, नौजवानों और बच्चों में ड्रग्स फैला दो, ताकि इस मुल्क के भविष्य की कमर हमेशा हमेशा के लिए टूट जाए। इस बीच में हम काफी गोला बारूद भी जमा कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि हेडक्वार्टर्स में जब हमारी नेक्स्ट मीटिंग होगी, तब हम मिशन XP2 की डिटेल्स डिस्कस करने के ज्यादा काबिल हो सकते हैं। हाल ही में हमने धर्म के नाम पर मेरठ में बड़ा कामयाब बलवा किया था। सारे देश के अंदर हंगामा मच गया था। मेरे ख्याल से हमें उन लोगों पर पहले हमला करना चाहिए जो इस देश के सारे धर्मों को एक करना चाहते हैं। सुअर के बच्चे धर्म के हर काम में घुस जाते हैं। गांधी की औलाद कहीं के हमारा सबसे पहला निशाना वही होंगे, क्योंकि जब तक वो जिंदा है हम हिंदुस्तान पर राज नहीं कर सकते। We must kill them all. Yes, we must kill them all. We must kill them all. We must kill them all. Look. ये कमांडो बहुत कुछ जान गया है। हरामजादा, सर वो आ रहा है। आने दो। यू आर अंडर अरेस्ट। हवलदार हाथ कड़ी पहना दे सारे को। मैंने क्या किया? क्या किया तुमने? तुम आतंकवादियों के साथ मिले हुए हमारी फैक्ट्री से हथियार चुरा कर उनको बेचते हो। ले जाओ उसे। लेकिन हवालात में चलो। निंजा, जिस कमांडो ने आज हमारा मीटिंग का बातचीत सुन लिया है उसे खत्म कर दो। कहां है वो? सेंट्रल जेल में। तो फिर कल सुबह उसकी लाश पुल के पास वाले कटर में से उठा लेना।